नमस्कार, मैं हूं सिकेन शेखर। बियॉन्ड द थर्ड आई के जरिए आज कुछ ऐसे पहलू को लेकर मैं आप सभी से बातचीत करना चाहता हूं, जिस पहलू को लेकर ना तो मीडिया में एक सोच अब तक विकसित हो पाई, ना ही पुलिस प्रशासन में ये सोच विकसित हो पाई, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जिस महाराष्ट्र में, जिस मुंबई में पत्रकारिता की एक पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर रही है, तो ऐसे में पत्रकारों ने क्या यहाँ पे काम करने का ऐलान बिल्कुल खत्म कर दिया है? यहाँ पर पत्रकारों की स्थिति क्यों इतनी बेकार होती जा रही है दिन पर दिन? ये बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छेड़खानी से परेशान लड़की ने लगाई फांसी एक खबर की हेडलाइन है, और इस खबर के जरिए आखिर संपादक कह ले, पत्रकार कह ले, या फिर जो डेस्क पे बैठा वो जर्नलिस्ट, वो पत्रकार जिसने अपनी कलम चलाई, आखिर ये किस तरह की सोच इस खबर के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है? जरा मैं आपको सबसे पहले इस खबर को पढ़ के सुनाता हूँ और फिर इस पे हम चाहेंगे कि चर्चा जोर शोर से हो। महाराष्ट्र की एक क्षेत्र सोलापुर। सोलापुर का नाम वैसे देखा जाए तो क्राइम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा दिख रहा है इन दिनों, लेकिन सोलापुर की स्थिति क्या है? खबर की हेडलाइंस को जरा एक बार मैं फिर से आपको सुनाना चाहूँगा। छेड़खानी से परेशान लड़की ने लगाई फांसी। सोलापुर में रोज रोज की छेड़खानी से तंग आकर एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 17 साल की लड़की ने जो सुसाइड नोट लिखा है, वो सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती थी। अपने सुसाइड नोट में लड़की ने तीनों आरोपियों के नाम भी लिखे हैं, साथ ही इस कदम के लिए भारत माता से माफी भी मांगी है। मामला 7 दिसंबर का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला सोलापुर के पंढरपुर कस्बे का है। पुलिस के मुताबिक लड़की लगातार 3 लोगों की छेड़खानी से परेशान थी। पुलिस के जरिए ये स्टेटमेंट पत्रकार को देने की एक बड़ी कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है। तभी वो पत्रकार ने लिखा कि पुलिस के मुताबिक लड़की लगातार 3 लोगों की छेड़खानी से परेशान थी। लड़की की मौत होने के 3 दिन बाद उसके परिवार को उसकी एक नोटबुक में एक सुसाइड नोट मिला। नोट में लड़की ने लिखा है कि सेना की वर्दी और तिरंगे के बैच का उसका सपना सच नहीं होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, नोट में जो सुसाइड नोट है उसमें लिखा हुआ है, लड़की ने साफ तौर पे लिखा है कि सेना की वर्दी और तिरंगे के बैच का उसका सपना सच नहीं होगा, क्योंकि वो 3 लोगों की छेड़खानी से परेशान होकर आत्महत्या करने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र के उद्धव सरकार पर कि साहब, ये जो राज्य है, इस राज्य में क्या लड़कियों के सपना पूरा नहीं होंगे क्या? और अगर कोई लड़की अगर इस तरीके से अगर फांसी लगा लेती है, 3 लोगों का नाम सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, लेकिन ना तो पत्रकार साहब को इसकी भनक है, ना ही पुलिस को कोई स्टेटमेंट देने की, घबराहट, जल्दी, हलचल, ऐसा क्यों? ये खबर में इतनी कम शब्द क्यों? सबसे बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि जिस तरीके से ये मीडिया पर सवाल उठेगा कि जागरूक टाइम्स में ये खबर पब्लिश की गई है, तो जो डेस्क पे बैठा वो जर्नलिस्ट आखिर किस सोच के साथ अपनी कलम चलाए कि साहब, 3 नाम जब ऑलरेडी लिखा है तो आपको क्यों डिस्क्लोज करने की दम नहीं है? और पुलिस के जरिए जिस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्या पुलिस को जरूरत नहीं लगता कि नाम बता दी जाए? और ये हो क्या रहा है? दरअसल कलम रुक कैसे जाती है? यहाँ पर यह भी हो सकता था कि जो 3 नाम दर्ज किया, उन लोगों को विद इन 1 घंटे के अंदर अगर अरेस्ट करने की स्टेटमेंट अगर पुलिस दे देती, तो इससे समाज में क्या मैसेज आता? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जिस पत्रकार ने ये खबर पे अपनी कलम चलाई है, तो वो सोच क्या देना चाहते हैं अपने पाठकों के बीच? आखिर खबर बता देना ही पत्रकार का एक मकसद नहीं होना चाहिए?
आप जिस तरह के सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से अपने देश को देखना चाहते हैं, तो क्या यही खबर पर्याप्त समझ ली जाए? क्या फॉलो अप करेंगे? आप फॉलो अप जब करेंगे तो क्या खबर की हेडलाइंस आप पब्लिश करेंगे? ये दरअसल आप महाराष्ट्र की छवि बना क्या रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ऐसे खबर से जो आरोपी है उन लोगों पर कहीं ना कहीं हम साफ तौर पे कहेंगे कि कोई दबाव नहीं बनेगा। उन लोगों की जो मनोबल है वो लगातार बढ़ती रहेगी। तो मैं जितने भी मेरे व्यूअर, जितने भी मेरे लिसनर खास तौर पे इस खबर की स्नैप कटिंग देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी खबर पढ़े तो आप तलाशने की कोशिश करें कि खबर में वो कौन सी बात है जिसको दबाई जा रही है, छिपाने की कोशिश की जा रही है, और उस कोशिश को यहां पे बेनकाब करें। आज के लिए, अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जब भी कभी खबर पढ़े तो कोशिश ये जरूर होनी चाहिए कि खबर के कोई हिस्से को जानबूझकर छिपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है पत्रकारों के जरिए।